हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आपने मेरे चैनल पर 4G राउटर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, जिनमें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप इसे इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, इसे आप कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं, आईपी चेंज कैसे कर सकते हैं, सिम कैसे लगाना है। पूरी इंस्टॉलेशन की वीडियो, पूरी इंफॉर्मेशन की वीडियो आपने मेरे चैनल पर बहुत सारी देखी, लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ इसमें जो छोटी मोटी समस्याएं आती है वो आप कैसे रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि इनकी जो गारंटी वारंटी है कोई अच्छी कंपनियां तो नहीं है। ऑक्सीजन, कॉफी और मीफी, बहुत सारी कंपनियां हैं, ये सब जितनी भी कंपनियां हैं कोई भी स्टैंडर्ड कंपनी नहीं है, कोई भी अच्छी कंपनी नहीं है। तो क्या होता है, इनमें हमें गारंटी लेने में बड़ी दिक्कत आती है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इनकी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि इसमें पावर ना आना, इसमें वाईफाई के थ्रू इंटरनेट तो दे रहा है राउटर, लेकिन लैन के थ्रू इंटरनेट नहीं देता, ये भी एक प्रॉब्लम आती है। कई बार क्या होता है, इंटरनेट हमारा ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट होता रहता है, वो भी हमारे जो ये एंटीना है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा ये एक्चुअल में काम करते हैं या सिर्फ ये राउटर में डमी के लिए होते हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों के लिए होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे और सीख पाएंगे कि आप अपने वाईफाई राउटर को रिपेयर कैसे कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों इसको मैं ओपन कर लेता हूं। उसके बाद इसे धीरे से ओपन करते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो तीन आप देख रहे हैं, 1, 2, 3, ये हमारे जो तीन एंटीना है इन्हीं के लिए तार गई हुई है। तो मैं इनको इजीली आराम से पहले हटा देता हूं। इनको आप इजीली हाथ से रिमूव कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इनमें आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इस पार्ट को मैं अलग रख देता हूँ। अब हम बात करते हैं इसकी। कई बार क्या होता है कि हमारा जो राउटर लगा हुआ है उसके जो कनेक्शन है वो इतने मजबूत नहीं होते कि भाई ये परमानेंट लग रहे हैं, ये इनको सोल्डिंग किया जाता है तो ये कभी भी टूट सकते हैं। कई बार प्रॉब्लम आती है कि हमारे जो वाईफाई राउटर है उसमें लाइट नहीं आ रही, तो सबसे पहले उसको रिपेयर करने का आपको मैं बताता हूँ। मैं ये यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो आपको चेक करना है हमारी जो ये दो वायर है, ब्लैक एंड रेड, ये सही से लगी हुई है क्या, ये डिस्कनेक्ट तो नहीं है, क्योंकि अगर आपके राउटर में पावर नहीं आ रही तो 80% चांसेस होते हैं कि जो हमारी वायर्स है ये डिस्कनेक्ट हो रखी हो। तो आपको इन वायर को चेक करना है, ये हमारी अच्छे से कनेक्टेड है या नहीं है। अगर ये आपकी अच्छे से कनेक्टेड है तो उसके बाद हम इसको ओपन कर सकते हैं और इसको चेक कर सकते हैं। मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ एक बार। ये हमारा ओपन हो चुका है। अब आपको मैं बता दूं, ये जो वायर है ये इसमें आके यहाँ पे लगी हुई है, इसको आप इजीली हाथ से रिमूव कर सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, हाथ से रिमूव कर सकते हैं और इसे वापस लगा सकते हैं। ये जो हमारा वायर है ये पावर की वायर है, आप देख सकते हैं, एक बार आपको घुमा के दिखा देता हूँ इसे। ये देखो, ये हमारी पावर की वायर है और ये हमारी इंटरनेट की वायर है, जो आप ये चार वायर देख रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कई बार कनेक्शन हमारा वाईफाई राउटर तो इंटरनेट देता है लेकिन लैन के थ्रू हमारा नेट नहीं चल रहा होता और हमारी जो वायर्स है वो भी बिलिंग नहीं करती। तो आपको क्या करना है, हमारी जो ये वायर हैं चारों के चारों, आपको इनको चेक करना है, इनमें से कोई भी वायर डिस्कनेक्ट तो नहीं है। आप देख सकते हैं मेरी चारों वायर अच्छे से कनेक्ट है। अगर फिर भी यहाँ से हमें कोई दिक्कत है तो ये जो हमारा जैक है इससे ये लूज हो जाता है कई बार, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इसको भी एक बार आप लोगों को निकाल के दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं ध्यान से आप इसे देखिएगा, इसे आप इजीली रिमूव कर सकते हैं और इजीली लगा सकते हैं। कई बार क्या होता है ये लूज हो जाता है तो भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो दोस्तों अगर फिर भी आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है तो जो आप इसमें लास्ट कुछ कर सकते हैं, जो सबसे आखिरी में है, वो इसका एक रिसेट बटन है। अगर ये फिर भी काम नहीं कर रहा है तो आपको ये दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आप इसका जो रिसेट बटन है
उसे आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक रीसेट हो जाता है, ये बाहर भी देखने को मिलता है। लेकिन ये जो सेटिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ पावर की या लैन केबल की, ये आपको बाहर देखने को नहीं मिलती, ये आपको अंदर ही सब कुछ करना पड़ता है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि आप अपना जो वाईफाई राउटर है जिसमें छोटी मोटी प्रॉब्लम अगर आ रही है तो उसको कैसे खुद ही रिपेयर कर सकते हैं, किसी को आपको अलग से कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अगर मैं बात करूं इसका जो चिप सेट है, इसमें आप कुछ भी रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये इतना छोटा चिप सेट है कि इसमें अगर आप कुछ एक आईसी उतारने के लिए निकलोगे तो दूसरी ऑटोमेटिक हीट मशीन से उतर जाएगी, इसको आप रिपेयर नहीं कर सकते, इसको आप एक नॉर्मल जो मशीन आती है उसी से रिपेयर कर सकते हो। आई होप दोस्तों अब आप लोग अच्छे से जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं वो अपने राउटर की सही कर लेंगे, और अगर आपको 4G राउटर में कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपकी समस्या का जल्द से जल्द जो भी समाधान हो सके वो आपको मैं दूँ। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि CCTV और 4G राउटर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।